लगता है कि दम घुटने से मौत हुई है क्योंकि बंद कमरे में अंदर ब्लोअर रात भर चल रहा था। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ये खबर आपके लिए है अगर आपके घर में हीटर है। अगर आपके घर में भी हीटर का इस्तेमाल होता है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ठंड से बचाने वाला ये हीटर ले सकता है आपकी जान। अगर आप भी अपने घर में हीटर लगाकर सो जाते हैं और आराम की नींद लेते हैं तो अब जागने का वक्त आ चुका है, वरना गर्मी देने वाला हीटर मौत का सबक बन जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में रूम हीटर जलाकर सोने की वजह से एक परिवार की मौत हो गई, और ये पहली बार नहीं है। रूम हीटर की वजह से इस तरह की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रूम हीटर कैसे लोगों की मौत का कारण बन रहा है, वो कौन सी चीजें हैं जो रूम हीटर चलाने वालों को ध्यान देनी चाहिए। आज की हमारी वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सर्दियों में जहां रजाई से पैर निकालने का मन नहीं करता, वहां एक ही चीज साथ निभाती है और वो है हीटर, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है और हमें राहत मिलती है। लेकिन यही हीटर आजकल लोगों की मौत का कारण भी बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि लोग कहां पर गलती कर रहे हैं, क्या इसका इस्तेमाल करना गलत है या फिर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सी वजह है जो हीटर को इतना ज्यादा जानलेवा बना रही है। असल में दोस्तों सर्दियों के मौसम में हीटर का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा खतरा तो तब होता है जब लोग हीटर चलाकर कमरा बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो नींद में चले जाते हैं। ऐसे में कोई गारंटी नहीं है कि आप उस नींद से वापस आ पाएंगे, क्योंकि हीटर की गर्मी से नींद बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे में जब हीटर बंद कमरे में जलता रहता है तो ये धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ता है, और इस गैस की सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरी तरह से गंधहीन होती है, रंगहीन होती है। यानी अगर ये गैस कमरे में भर रही है तो इसका पता लगाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं होता। जब तक इस गैस के दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ते तब तक लोग समझ नहीं पाते और पूरे कमरे में जहरीली गैस भर गई है, और यही हीटर की वजह से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल ये आता है कि जब ये गैस वातावरण में फैल जाती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। सबसे पहले दोस्तों त्वचा में सूखापन आने लगता है, एलर्जी होने लगती है, उल्टी आती है या जी मचलाना शुरू हो जाता है, कई बार तो नाक से खून भी निकल जाता है, चक्कर आते हैं, साइनस में ब्लॉकेज हो जाता है, छाती में दर्द होता है। इसके सबसे बड़े लक्षण यही है। ऐसे में अगर किसी को फेफड़े से जुड़ी कोई तकलीफ है या कोई स्मोकिंग बहुत करता है तो उसे इन सब चीजों का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चों और बूढ़ों के लिए ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जब लोग नींद में होते हैं और ये गैस पूरी तरह से बंद कमरे में फैल जाती है तो प्रभाव काफी अधिक होता है, जहरीली गैस शरीर में फैलने लगती है और दम घुटने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके शरीर में खून की सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे आपके दिमाग तक खून का जो सर्कुलेशन है वो बंद हो जाता है, और इस स्थिति में आपको ब्रेन हेमरेज और अचानक होने वाली मौत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कई लोगों को आंखों में कंजक्टिवाइटिस भी इसी वजह से होता है, जिसमें लोगों की आंखें लाल हो जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि कमरे में हीटर जलाकर रखना कितना ज्यादा खतरनाक है। खास करके बंद कमरे में ज्यादा लंबे समय तक हीटर जलता रहेगा तो कमरा जहरीला हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो जिस कमरे में आप हीटर जलाकर रख रहे हो उस कमरे में एक बाल्टी पानी जरूर रखें, ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हीटर के आसपास टेबल, कंबल या फिर फर्नीचर जैसी कोई चीज ना हो। हीटर को हमेशा किसी कठोर और सुरक्षित जगह में ही रखें, जहां पर हीट की वजह से आग लगने का खतरा बिल्कुल ना हो, क्योंकि कई बार हीटर के कारण फर्नीचर वगैरह में आग लग जाती है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखिए दोस्तों।
जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हीटर के आसपास भी ना आने दें, क्योंकि पहली बात तो हीटर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जिसमें करंट फ्लो होता है। ऐसे में बच्चों को करंट लग सकता है या फिर हीटर की गर्मी बच्चों को जला सकती है। और अगर ये सब कुछ भी ना हो तब भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए जिस कमरे में छोटे बच्चे होते हैं उस कमरे में तो हीटर को ना ही रखें। बच्चों को हमेशा हीटर से दूर रखें ताकि इससे निकलने वाली जहरीली गैस उन पर असर ना कर पाए। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आप रात में सो रहे हो तो हमेशा हीटर का प्लग निकाल कर उसे बंद करके साइड में रख दो, तभी नींद लेने जाएं, क्योंकि रात में अगर आप ये सोचेंगे हीटर कमरे को गर्म रखेगा आपको अच्छी नींद आएगी, तो उसके दुष्परिणाम किस तरह आपके सामने आ सकते हैं वो तो आप देख ही चुके हैं। इसलिए कभी भी रात भर हीटर को जलाकर ना सोएं। और हम तो ये भी कहेंगे अगर आप जाग रहे हो तब भी ज्यादा लंबे समय तक हीटर को जलाकर ना रखें, क्योंकि भले ही कमरे को गर्म करके रखता है लेकिन इससे निकलने वाली जो जहरीली गैस है वो आसपास मौजूद लोगों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए थोड़े समय के लिए हीटर जरूर चलाएं लेकिन जब कमरा गर्म हो जाए तो हीटर बंद कर दें। कमरे में हवा को पास होने का पूरा रास्ता दें। कमरे को पूरी तरह से बंद करके हीटर बिल्कुल भी ना जलाएं और हमेशा हीटर को जलने वाली चीजों से दूर रखें। इन सब के अलावा दोस्तों एक और बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि कभी भी खराब या लोकल क्वालिटी का हीटर इस्तेमाल ना करें। हमेशा अच्छे हीटर को एक कमरे में लाएं ताकि उससे निकलने वाले साइड इफेक्ट कम हो, वरना जो लोकल हीटर होते हैं वो ज्यादा नुकसान करते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरह की सावधानियां रखेंगे तो हीटर से होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं, वरना ये किस तरह लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत की नींद सुला रहा है वो तो आप आए दिन न्यूज चैनल और न्यूज वगैरह में देख ही चुके होंगे। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।